everyone, welcome back to Puneet Kaur Tutorials. So here we are going to discuss about recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology, it is also known as rDNA technology in short. ये जो टेक्नोलॉजी होती है मोस्ट वाइडली यूज होती है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्यों यूज होती है? दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स. कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? दैट इज द इंसुलिन, द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, कैसे आकर होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में. सो सबसे पहला जो टूल होता है दैट इज नोन एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट? जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होती है जो हमें इंट्रोड्यूस करवानी है, जो हमारे इंटरेस्ट की होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसी जीन चाहिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस जीन को सेल को आइसोलेट करेंगे ह्यूमंस में से जो एक्चुअली में हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करके देगी. फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरेस्टेड है प्लांट सेल में, हमें प्लांट सेल की जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोड्यूस करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उन सेल्स को आइसोलेट करेंगे जो हमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करके देगा. सो वी कैन आइसोलेट एनिमल सेल्स ऑल्सो, जो भी हमारे इंटरेस्ट का होता है. सो सेकेंड वन क्या होता है, दैट इज वेक्टर. जो वेक्टर होते हैं हम इसे व्हीकल भी बोलते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज द व्हीकल. हम इसे व्हीकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेक्टर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए व्हीकल का काम करते हैं. व्हीकल का काम क्या होता है? कैरी करना. सो ये कैरी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनटू द होस्ट सेल. बिना वेक्टर के जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. व्हाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेक्टर है उसके पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं. कौन कौन से रीजन्स होते हैं? दिस इज द वेक्टर. हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं टू गेट द आइडिया कि क्यों वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रीजन की. ये होता है MCS रीजन. MCS रीजन मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट, दैट इज द जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आके क्लोन होगा. सो ये वो रीजन है. दिस इज ओराई. व्हाट इज नोन एज ओराई? दैट इज दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जहां पे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट की वजह से जो हमारा डीएनए है वो आगे जाके रेप्लिकेट करेगा. This is the antibiotic region. This is antibiotic region. इस region की वजह से क्या होगा कि ये जो cell होगा, जिस cell में ये DNA जाएगा, वो cell antibiotic अगर region में culture में grow करवाया जाए तो वो dead नहीं होगा, वो survive कर जाएगा. But अगर किसी cell के अंदर ये वाला rDNA ना हो, antibiotic region ना हो उसके DNA में, तो वो cell वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा एक्सट्रीम एंटीबायोटिक कंडीशंस में. सो इस वजह से वेक्टर जो होता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इसकी वजह से जो इसका रेप्लिकेशन है वो भी हो पाता है एंड एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट. देन उसके बाद थर्ड हमारा है होस्ट सेल, दैट इज जिसके अंदर हमने अपना आरडीएनए इंट्रोड्यूस करवाना है. दैट इज द होस्ट सेल, इज द थर्ड टूल ऑफ आरडीएनए. देन उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टूल विच इज नोन एज एंजाइम्स. सो एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें, एंजाइम्स थ्री टाइप के एंजाइम्स यूज होती है आरडीएनए में. सबसे पहला एंजाइम यूज होता है दैट इज नोन एज लाइसिंग एंजाइम. सो लाइसिंग एंजाइम एज द नेम इज सेइंग लाइसिंग. लाइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. सो इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक करना. तो ये एंजाइम है, ये किसको ब्रेक करेगा? ये सेल की वॉल को ब्रेक करेगा. ये हमारा सेल है. फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लांट सेल लिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लांट सेल के वॉल को ब्रेक करेगा और इसकी डीएनए को आइसोलेट कर लेगा. बिना सेल वॉल ब्रेक करे हम डीएनए को आइसोलेट नहीं कर सकते. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लाइसिंग एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि डिपेंड करते हैं कि किस सोर्स से हमने सेल आइसोलेट करा है. फॉर एग्जाम्पल, हमने सेल आइसोलेट करा है प्लांट सेल से. सो प्लांट सेल के लिए कौन से लाइसिंग एंजाइम यूज होएगा? दैट इज सेल्युलेज. फॉर एग्जाम्पल, हमने फंजाई से लिया है, हमने फंजाई से सेल आइसोलेट किया है, तब हम कौन सा लाइसिंग एंजाइम यूज करेंगे? दैट इज काइटिनेज. या फिर हमने बैक्टीरिया से लिया है, तो हम
लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, दैट इज लाइसोजाइम। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से हमने जो हमारा सेल है उसको आइसोलेट करा है। तो हम ये एंजाइम यूज करेंगे, इस एंजाइम के वजह से क्या होगा, हमारे जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, हमारा जो डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम आइसोलेट कर पाएंगे इजीली। सो दीज आर द केमिकल्स दैट हैज बीन यूज। देन उसके बाद हमारा आता है, फर्स्ट हमारा एंजाइम होगी लाइसिंग एंजाइम, देन अभी हमारे पास सेकेंड एंजाइम जो है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करें उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। Why हम मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम क्या होता है, सीजर का काम क्या होता है, कट करना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए को कट करेगा, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। सो सीजर का काम होता है कट करना। ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सो एंड एंडो। सो इनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं दोनों एंजाइम्स के बीच में। जो एंडो होता है, एज अ नेम इज सेइंग एंडो, एंडो मींस ये डीएनए को बीच में से कट करेगा। एक्सो का मतलब होता है नेम, इसका एक्सो का मतलब क्या होता है, टर्मिनल एंड से कट करना। ये डीएनए के स्ट्रैंड को, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये क्या करेगा, ये डीएनए को उसके टर्मिनल एंड से कट करेगा। इसने तो बिटवीन से करा एंडो ने, इसने टर्मिनल एंड से करा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंजाइम। उसके बाद हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस ऐसे रैंडमली नहीं कट करता डीएनए को, ये पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं डीएनए को। नाउ व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फैशन, पर्टिकुलर फैशन होता है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो सीक्वेंसेस कौन से होते हैं जिनको एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नाउ व्हाट आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअली में वो दे क्या है। दिस इज 5-3-1 एंड दिस इज 3-5-N। देन हम यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिख रहे हैं, दिस इज GAA TTC, GAA TTC, दिस इज एक्चुअली नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नाउ होता क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जब भी हम एक साइड से एक पॉइंट से रीड करें दोनों स्ट्रैंड में, फॉर एग्जांपल हम 5' एंड से रीड कर रहे हैं दोनों स्ट्रैंड में, तो इनके जो बेस पेयर्स हैं वो सेम रीड होंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 5' एंड से रीड करना, GAA TTC। यहाँ पे भी हम इस स्ट्रैंड में भी हम 5' एंड से स्टार्ट करते हैं, GAA TTC। अगर हम 3' एंड से पढ़े CTTAG, यहां से हम रीड करें CTTAG, तो हम किसी भी अगर पॉइंट को उठा ले दोनों स्ट्रैंड में उसी पॉइंट से पढ़े तो दोनों के दोनों में क्या होगा, जो बेस पेयर्स होंगे वो सेम रीड होंगे। सो दीज आर नोन एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, इन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सिर्फ यहीं पे कट करते हैं और कहीं पे कट नहीं करते। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। देन उसके बाद यहाँ पे भी पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस, ऐसे नहीं रैंडमली कट कर दिए, नहीं, यहाँ पे भी जी के पास यहाँ पे ऐसे कट करेंगे एंड यहाँ पे भी जी के पास। सो ये हो गया, ये हो गया हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस। देन जब इसका रिजल्टेंट होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज जब ये कट होएगा तो हमारे पास ऐसे स्ट्रैंड रहेगी, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, हेयर वन लॉन्ग एंड हेयर वन शॉर्ट। सो ये हमारे पास आगे स्टिकी एंड्स, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो हमारा दूसरा डीएनए जो कंबाइन करेगा इसके साथ, वो इसके साथ इजिली कंबाइन कर पाएगा स्टिकी एंड्स होने की वजह से। सो ये तो हमारा हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े, लाइसिंग एंजाइम्स, सेकेंड वन इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, थर्ड हम पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज, थर्ड हमारा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज होता है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर
होता है जोड़ना। पैकेज होते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू इसलिए होते हैं क्योंकि वो दो डीएनए को कंबाइन करता है, फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को कंबाइन करेगा। सो ये हमारे हो गए टूल्स। हम टूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले टूल कौन सा था हमारा, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड टूल है हमारा वेक्टर, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा होस्ट सेल में। थर्ड टूल है हमारा होस्ट सेल। फोर्थ टूल है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स हमें देखे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइसिंग एंजाइम, सेकेंड वन इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देन थर्ड एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। नाउ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो सबसे पहले हमारा स्टेप आता है, दैट इज ये हमारा हो गया वेक्टर डीएनए, ये हमारा हो गया फॉरेन डीएनए, दिस इज फॉरेन डीएनए, ये हमारा हो गया दैट इज वेक्टर डीएनए। ठीक है, हमने इसको अलग से लेबल करा बिकॉज हम जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट कर सके कौन सा फॉरेन है कौन सा वेक्टर है। सो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराना। हम शॉर्ट पे लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या करेगा, वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को ब्रेक करेगा, दैट इज वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए को ब्रेक करेगा। यहाँ पे हमें पॉइंट नोट करना है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को कट करेगा वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर डीएनए को कट करेगा। ऐसा क्यों, डिफरेंट एंजाइम्स क्यों नहीं यूज करते, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करते वेक्टर और फॉरेन डीएनए के लिए, बिकॉज अगर हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो जो फॉरेन डीएनए के जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे और जो वेक्टर डीएनए के जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होने की वजह से वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे आपस में। सो दिस इज द रीजन कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं दोनों को कट करने के लिए, ताकि इनके जो एंड्स हैं वो सेम प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और बाइंड कर पाएंगे इजीली। सो ये हमारा हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीटमेंट। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वेक्टर डीएनए वो ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा फॉरेन डीएनए वो भी ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लाइगेशन का। लाइगेशन के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज, बिकॉज दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, दो डीएनए को जोड़ना। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये वेक्टर डीएनए को और जो फॉरेन डीएनए है इनको आपस में जोड़ देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया हमें, आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारा हो गया होस्ट सेल, होस्ट सेल का अपना जीन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर डीएनए, ये हमारा आर डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे हमें दिखाया कि कैसे सेल ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर हम बात करें तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप होता है, इट इज नॉट दैट मच इजी। ये सिंपल ऐसे नहीं होता कि हमने आर डीएनए लिया और हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। हमने पहले ही देखा था कि जब भी हम फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हम सेल वॉल को डिस्ट्रप्ट करते हैं डिफरेंट लाइसिंग एंजाइम यूज करके। तो यहाँ पे भी हमें सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, जिसकी वजह से हमारा जो आर डीएनए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सके। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जीन गन मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें एपरेटस यूज होते हैं जिसमें हम आर डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एनिमल प्लांट सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड मेथड। कैल्शियम क्लोराइड मेथड कैसे होता है यहाँ पे हम देखते हैं। सो कैल्शियम क्लोराइड मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल हम दिखाते हैं, हम सेल है, दिस इज द आर डीएनए, दिस इज आर डीएनए। हमें पता है जो RDN, जो डीएनए होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उस पर ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनके पास क्या चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, अब ये बाइंड कैसे करें, तो हम
कैल्शियम क्लोराइड जब यूज करते हैं तो हमें पता है कैल्शियम को चार्ज करते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। सो कैल्शियम क्या करेगा, ये यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा इसके साथ, एज वेल एज ये इस मेम्ब्रेन के साथ भी आके बाइंड कर जाएगा। सो जब भी कैल्शियम आके इन दोनों मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हमने कैल्शियम से ट्रीट करवाया, कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड करा, इन दोनों की जो मेम्ब्रेन का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करा। देन हमारा सेकेंड स्टेप है, फिर हमने इसको टेम्परेचर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोलते हैं आइसिंग टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है। इसके वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होंगी दोनों की वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। सो मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होगी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करा, हमने इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया। हीट शॉक ट्रीटमेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया। नाउ हाई टेम्परेचर कितना दिया, इतना टेम्परेचर हाई दिया कि जो उसकी सेल वॉल है, इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जो सेल की वॉल है वो ब्रेन उसके पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा, बिकॉज पोर्स क्रिएट होने की वजह से जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो इस पोर के थ्रू, इस पोर के थ्रू अंदर आ जाएगा। तो ये सेल है, सेल में पोर्स होंगे हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ये आरडीएनए हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सो ये हमारा 4 डिग्री के बाद होगा। देन 46 डिग्री के बाद हम फिर से 4 डिग्री सेल्सियस देते हैं। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है इसमें जो पोर्स क्रिएट हुए थे उसको क्लोज कर देगा, उसको फिर से स्टेबल कर देगा इसकी मेम्ब्रेन को। तो हमारा यहाँ पे आरडीएनए आ गया, इंसर्ट हो गया 46 डिग्री सेल्सियस की वजह से, 4 डिग्री सेल्सियस की वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन की जो पोर्स है वो क्लोज हो गई। सो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। दिस इज नॉट जस्ट वन स्टेप प्रोसेस, दिस इज इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमने बात की कैल्शियम क्लोराइड की। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। हम स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, हमें किस चीज की स्क्रीनिंग करनी है, जब भी हम ये मेथड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो हम लैब में कर रहे हैं, हमें पता है सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उसको विजिबली नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम एक एक सेल्स को। सो हम यहाँ पे तो हम शो करें एक सेल है, बट डिफरेंट बहुत सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हम कल्चरिंग करते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जब आरडीएनए इंट्रोड्यूस करवाया है वो सारे सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जिनके अंदर आरडीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर 100 है, मे बी 70 में ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, 30 में ना हुई हो, मे बी 30 में हुई हो, मे बी 70 में ना हुई हो, पॉसिबल नहीं है कि सब में हो गई हो। सो इस वजह से कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को हम देख सकते हैं कि कितने सेल्स हमारे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो हम स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, हम स्क्रीनिंग के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। यहाँ पे हमारी ये हमारा कल्चर, यहाँ पे हमने क्या करा, एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करवा दी, ये हमारी एंटीबायोटिक। सो ये हमारी एंटीबायोटिक्स होगी, यहाँ पे हमने इन सेल्स को ग्रो करवाया। तो यहाँ पे सिर्फ इस एंटीबायोटिक कल्चर में सिर्फ वही सेल्स ग्रो करेंगे जो ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारा वेक्टर डीएनए होता है उस पर ओराइल होता है, एंटीबायोटिक रीजन होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे ऑब्वियसली वो यहाँ पे ग्रो करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होंगे वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, दे विल अल्टीमेटली डाई। तो यहाँ पे जो भी हमें सेल्स लाइव मिलेंगे, इट मीन्स दैट दोस सेल्स आर द ट्रांसफॉर्म सेल्स। सो दीज ऑल आर द ट्रांसफॉर्म सेल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज द कल्चरिंग, दैट इज कल्चर करना सेल्स को। क्यों, क्योंकि हमारा जो आरडीएनए का मेन मोटिव क्या है कि जो भी हमने फॉरेन डीएनए आइसोलेट करवाया है वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। जैसे मैं इंटरेस्टेड थी इंसुलिन जीन में कि वो हम मुझे चाहिए इंसुलिन प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने ये मेरा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट करवाया था, और अब मुझे ये चाहिए कि वो जीन है अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम क्या क्या आगे हम ऐसे ऐसी चीज देंगे, हम उसको कल्चरिंग करवाएंगे। कल्चरिंग में क्या होता है, हम उसको ऑप्टिमम एसेप्टिक कंडीशन देते हैं। नाउ व्हाट आर द एसेप्टिक कंडीशन, यहाँ पे देखिए हमारा कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पेट्री डिश हमें ले ली, यहाँ पे हमने सेल्स को ग्रो करवाया, हम यहाँ पे
जिसको एसेप्टिक कंडीशन देंगे ना. व्हाट आर द एसेप्टिक कंडीशंस? एसेप्टिक कंडीशंस वो आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं जो हम लेबोरेटरी में सेल्स को देते हैं ताकि जो जो सेल्स है वो अपना ग्रो कर पाए. हमें भी कुछ कंडीशंस चाहिए, हमें एयर, वाटर, सनलाइट, हम सबको चाहिए ग्रो करने के लिए. सेम ऐसे ही सेल्स को एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए होते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं हम लैब में, उन्हें बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशंस. क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम? ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इफ रिक्वायर्ड बफर प्रोवाइड करते हैं. सो एक्सेप्ट बहुत सारी चीजें होती है, लाइक एयर प्रोवाइड करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट एसेप्टिक कंडीशंस होती है हर सेल्स की. तो हम यहाँ पे कल्चर जब हम ग्रो करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें इसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने का सेल्स को. सो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ली थी हमने, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना ये हमारा बन गया इंसुलिन. दिस इज नोन एज, दिस इज द प्रोडक्ट जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, दैट इज इंसुलिन. सो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फर्दर आइसोलेट करके इसकी फर्दर हम प्योरिफिकेशन करवाते हैं एंड हम इसको कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं. सो हमारा मेन मोटिव यही था, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना. ठीक है, सो दिस इज आर मेथड, दिस इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट टाइम हमारे तो फॉरेन डीएनए को लिया, वेक्टर डीएनए को लिया, फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करवाया, फिर हमने डीएनए लाइगेज इनको जोड़ा, आरडीएनए बन गया, फिर उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, फिर उसके बाद हमने स्क्रीनिंग करवाई कंफर्मेशन करने के लिए कि एक्चुअली सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कितने सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं ताकि हम उसको अलग कर पाए. ट्रांसफॉर्म सेल्स विजिबल हो जाएंगे इस मीडियम में. देन उसके बाद हम इसकी कल्चरिंग कराते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो पाए एंड वी कैन अल्टीमेटली आइसोलेट दैट प्रोडक्ट एंड कैन यूज कॉमर्शियली. सो दिस इज ऑल अबाउट आरडीएनए टेक्नोलॉजी. होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल देयर to watch my new upcoming videos. Thank you.